आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, एंड टुडे वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन सेज 7% बजरंग, अंजनी, चंदन, धारा, फातिमा, महादेव एंड शिव आर बोर्न इन 7 डिफरेंट ईयर्स, लाइक 1953, 1961, 1968, 1972, 1985 एंड 1996. दे लाइक डिफरेंट फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, गुआवा, पपाया, लीची, एप्पल एंड ऑरेंज। नोट, ऑल द इंफॉर्मेशन इज नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। दे ऑल आर बॉर्न ऑन द सेम मंथ एंड सेम डेट बट डिफरेंट ईयर। देयर एजेस आर कैलकुलेटेड ऑन द बेस ईयर ऑफ 2018. द सम ऑफ द एजेस ऑफ बजरंग एंड फातिमा इज 90 ईयर्स। बजरंग इज एल्डर देन फातिमा। द डिफरेंस बिटवीन फातिमा एंड द वन हु लाइक्स ऑरेंजेस इज 11 ईयर्स। द वन हु लाइक पपाया इज यंगर टू टू पीपल। द सम ऑफ एजेस ऑफ वन हु लाइक्स पपाया एंड शिव इज 133 ईयर्स। The one who likes banana is younger than Shiv. The number of person younger than the one who likes banana is as same as the number of person elder than the one who likes mango. The sum of the ages of Anjani and Dhara is 115 years and Anjani is younger than Dhara. The difference between ages of Anjani and the one who likes guava is 15 years and Mahadev is elder than Chandan. The one who likes lychee is elder than the one who likes apple and who was just to born before Shiv. So this what we have to find here. The one, so we have given four options. हमें चार option दिए हुए हैं. The one who like papaya, first one. Second one, the one who like orange, and third one, bajrang, and fourth one, the one who like lychee. So one by one we will solve the question. First of all, what we will do? We will divide our question into four parts. Like first of all, we will write down the years जिसमें इनका birth हुआ है. Then we will write age. हम लोग इनकी age लिखेंगे. And then we will write down the fruit जो उनको पसंद आ रहा है और which they likes and then हम लिखेंगे name of the person. Okay, तो अभी हम इसमें क्या करते हैं और ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो base year रहेगा वो हमारा रहेगा 2018. Okay, so one by one हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हमारा जो सबसे कम year है वो वाला हम लिख देते हैं, that is 1950 year. 1950 then आएगा हमारा 50 के बाद 53 आ जाएगा, देन हमारा आ जाएगा 1961, एंड देन हमारा आ जाएगा 1968, एंड देन हमारा आ जाएगा 1972, एंड देन हमारा आ जाएगा 1985, एंड देन हमारा आ जाएगा 1996. तो ये ईयर हमारे आ गए हैं. ओके, अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है इनकी एज निकाल लेंगे कि इन लोगों की एज कितनी हुई होगी बेस ईयर 2018 को कंसिडर करके. तो देखिए, जो पहला है वो 68 ईयर्स का हो गया, सेकेंड वन वाला हमारा 65 ईयर्स का हो गया, थर्ड वन हमारा 57 ईयर का हो गया, एंड फोर्थ वन हमारा 50 ईयर्स, एंड देन 46, एंड देन 33, एंड देन 22. तो ये तो हमारी एज निकल गई. अब हम लोग क्या करेंगे, नाउ वन बाय वन वी विल रीड द क्वेश्चन एंड ट्राई टू सॉल्व इट. तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ बजरंग एंड फातिमा इज 90 ईयर. तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमारा बजरंग है और फातिमा है, इनकी दोनों एज का जो सम है वो 90 ईयर्स है. ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, देखते हैं कि ये देखिए, ये फर्स्ट वाला और जो लास्ट वाला है, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देती हूँ तो दोनों की एज जो है 90 हो जाती है. लेकिन देखिए, बजरंग इज एल्डर देन फातिमा, लेकिन हाँ ये गिवन है, बजरंग जो है बड़ा है फातिमा से, तो इसका मतलब बजरंग पहले आ जाएगा. यहाँ पे बजरंग यहाँ पे आ गया है और फातिमा जो है हमारे लास्ट वाले पोर्शन पे आ जाएंगी, फातिमा ही होगी. अब हम देखेंगे बजरंग इज एल्डर देन फातिमा. देखिए ये हो गया, द डिफरेंस बिटवीन फातिमा एंड द वन हु लाइक ऑरेंज इज 11 ईयर. अब देखिए, फातिमा और एक है जिसको ऑरेंज पसंद है, उसकी एज में डिफरेंस 11 है. तो आप देख रहे हैं इनके एज में डिफरेंस 11 आ रहा है, तो इसका मतलब यही वो बच्चा है जिसके एज जो है ऑरेंज है, जिसको ऑरेंज पसंद है. ओके, नाउ आगे हम बढ़ेंगे, द वन हु लाइक पपाया इज यंगर टू टू पीपल. अभी देखिए, जिसको पपाया पसंद है वो दो लोगों से छोटा है, तो एक दो, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा जिसको पपाया पसंद है. तो अभी हमारा ये वाला पोर्शन हो गया. अब आगे बोलता है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ वन हु लाइक्स पपाया एंड शिव इज 103. अब देखो, शिव और एक तो पपाया जिसको पसंद है वो, और शिव, उन दोनों की एज का जो सम है वो है हमारा
103. तो आप देखिए, अगर मैं 57 में 46 को ऐड कर देती हूँ तो हमारा 103 आ जाता है. इसका मतलब यहाँ पे जो है शिव है, इधर पे जो है यहाँ पे शिव है. ओके, तो अभी देखिए हमारा ये कुछ सेटल हो गए हैं. द वन हु लाइक्स बनाना इज यंगर देन शिव. अब देखिए, शिव से जो यंगर है उसको बनाना पसंद है, तो इसका मतलब पहला वाला तो ऑरेंज है, तो बनाना फातिमा के पास आएगा, फातिमा को पसंद है. द नंबर ऑफ पर्सन यंगर देन द वन हु लाइक्स बनाना इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन एल्डर देन द वन हु लाइक मैंगो. तो ये बोलता है कि जितने इससे बड़े हैं उतने ही उससे छोटे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बजरंग होगा, बजरंग को जो है मैंगो पसंद होगा. ओके, अब इसने आगे बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ अंजनी एंड धारा इज 115 ईयर्स. अब देखिए, अंजनी और धारा की जो एज है उनका सम जो है 115 है. तो ये देखिए 65 और ये देखिए 50. तो पहला काम तो हमारा हो गया कि हमें पता चल गया कि इन दोनों पोजीशन पे कहीं पे अंजनी आएगी और धारा आएगी. लेकिन यहाँ पे इसने बोला अंजनी इज यंगर देन धारा. अंजनी जो है यंगर है धारा से, तो इसका मतलब अंजनी जो है नीचे आ जाएगी, अंजनी नीचे आ जाएगी और धारा जो है ये ऊपर चली जाएगी. ओके, अब आगे जो है द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ अंजनी एंड द वन हु लाइक्स ग्वावा इज 15 ईयर. अब देखिए, अंजनी और वो जिसके एज में 15 ईयर्स का डिफरेंस है, उसको जो है क्या पसंद है, ग्वावा पसंद है. तो यहाँ पे जो है ग्वावा आ गया, इसका मतलब धरा को जो है ग्वावा पसंद है. अब उसके बाद हम जाएंगे द डिफरेंस बिटवीन, ठीक है, महादेव इज एल्डर देन चंदन. और एक और बात यहाँ पे क्लियर हो गई है. देखिए, यहाँ पे दो जगह बची थी और हमारे पास दो लोग बचे थे, महादेव और चंदन. तो अभी यहाँ पे इसने साफ कर दिया है कि महादेव इज एल्डर देन चंदन, इसका मतलब जो हमारे महादेव है वो ऊपर आ जाएंगे और जो हमारे चंदन है वो नीचे आ जाएंगे. ओके, अब आगे उसने बोला द वन हु लाइक्स लीची इज एल्डर देन द वन हु लाइक्स एप्पल. तो ऑब्वियसली भाई, जो लीची वाला है वो एप्पल से बड़ा है, तो LITCH, तो लीची ऊपर आ गया और देखिए एप्पल नीचे आ गया. अब देखिए, हमारा पूरा चार्ट यहाँ पे तैयार हो चुका है. नाउ वी आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चन. अब इसने क्वेश्चन पूछा है कि हु वॉज बॉर्न जस्ट बिफोर शिव, कि शिव से जस्ट पहले किसका जन्म हुआ है. तो आप देखिए, ये शिव है और शिव से पहले जो है किसका जन्म हुआ है, अंजनी का. आप देख सकते हैं, शिव से पहले अंजनी का जन्म हुआ है. तो हम यहाँ पे अब ऑप्शंस में देखेंगे. अंजनी जिसको कि लीची पसंद है, तो यहाँ पे सीधे सीधे आप देख सकते हैं द वन हु लाइक्स पपाया, नहीं पपाया नहीं है. द वन हु लाइक्स ऑरेंज, इससे पहले नहीं, वो भी नहीं है. जस्ट बिफोर बोला, इससे पहले, तो पहले तो जन्म इसी का हुआ है, 72 वाले का. तो बजरंग बिल्कुल नहीं. यस, द वन हु लाइक्स लीची. तो इसका आंसर जो होगा, जिसको लीची पसंद है, यानी कि अंजनी जो है, अंजनी का जो है जन्म जो है शिव से पहले हुआ है. आई होप नाउ यू हैव बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच. क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा. आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर.